दोस्तों, आज हम जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन आदियोगी कोयम्बटूर। तो मैं और मेरी मम्मी सारे चीज़ें को पैक करके हम लोग अपने कार डिक्की में रख रहे हैं। जो जो चीज़ हमने रखा है वो है हमारा लगेज और स्नैक्स अगर भूख लगी, पानी बोतल अगर प्यास लगी। तो चलिए हमारे साथ कोयम्बटूर। दोस्तों, आज हम नया ट्रिप में जा रहे एक लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है। तो आप हमारा साथ बने रहे, हमारे बच्चे लोग भी आ रहे। आज थोड़ा सा लेट हो गया वो प्रिपेयर होने में, पर होता है, कोई बात नहीं। हम जाएंगे, देखो सब कुछ पूरा एक्साइटमेंट में है। तो हम चलो चलते हैं। हाय बोलो, ओम नमः शिवाय। देख रहे पेट्रोल टैंक फुल है एंड मैं ट्रिप भी जीरो कर दिया। और यहाँ पे देखिए उसका अभी 7 आवर्स दिखा रहे 380 थे। तो हम जा रहे कोयम्बटूर। तो हम लोग इस रूट से बेंगलुरु टू कोयम्बटूर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम मेरे पूरे फैमिली एंजॉय कर रहे हैं इस ट्रैवलमेंट में, और पापा गा गा के गाड़ी चला रहे हैं और मैं और मेरे भाई खेल रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए हैं। तो इस होटल में हम लोग अपना ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, चाय का ऑर्डर करके हम लोग फिर हमारा ब्रेकफास्ट खत्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे वापस। हम यहाँ पे अभी टिफिन के शरवाना बाबा फैमिली रेस्टोरेंट, अभी हम टिफिन करके अभी हम फिर से निकलेंगे हमारा मंजिल की ओर। आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये हाईवे रोड है, तो आपको पता हो ही होगा हर हाईवे रोड हमेशा प्लेन ही होता है। तो ये वाला रोड बहुत अच्छा था, मक्खन की तरह पूरा था, और हम लोगों ने एंजॉय किया इस रोड में ट्रैवल करने के लिए। तो 2 घंटे के बाद हम लोग अपने लंच के लिए रुक गए हैं, और इस होटल का नाम है सावना भवन। और 2 साउथ इंडियन मील और मेरे लिए कर्ड राइस पापा ने बुक किया था, और उन्होंने अच्छे से एंजॉय किया मेरा लंच। ये था टोल गेट है, अभी तक 3 टोल गेट चला गया है। पहले वाला कितना लिया था? 30 रुपीज। और सेकंड वाला? 80 रुपीज। और ये वाला अभी कितना लेगा हम देखेंगे और आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं आदियोगी कोयम्बटूर में, और ये है उसका जो आगे दिखाता है ईशा ट्राइंगल शेप में, ये उसका आगे ऐसे पिक्चर स्टैचू दिखाते हैं, और ये है उसका मेन गेट। पर इस मेन गेट में आप लोग बस जा सकते हैं आदियोगी स्टैचू देखने के लिए, कॉटेज को जाने के लिए। देख सकते हैं शिवाजी ना? देख सकते। तो हम लोग वेलकमिंग पॉइंट में एंट्री कर चुके हैं, और हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पार्क किया है बस थोड़ी देर के लिए। मेरे पापा गए हैं रिसेप्शन के लिए, और यहाँ जो स्टेच्यू है वो वेलकमिंग पॉइंट है। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, मेरे पापा गए रिसेप्शन के लिए हमारे रूम। उसके बाद हम लोग गाड़ी को एक और जगह, दूसरी जगह में पार्क करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने कॉटेज रूम में जाएंगे। अपना लगेज यहाँ रख दिया है, इस ट्रॉली के ऊपर हमारा लगेज हम लेके हम कॉटेज जाएंगे। ये मेरी मम्मी पापा मींस मम्मी और भाई सो के उठे हैं। तो ये वेलकमिंग पॉइंट है, वहाँ वो स्टैचू हम लोग सामने में आपको बाद में दिखाएंगे। अब लोग अब ये आश्रम चिकन है,
तभी यहाँ के साधु बाबा गए थे पर मोटर बाइक में पूरा हीरो की तरह गए थे और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो सुपर फास्ट गए थे, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वेटिंग रूम, यहाँ का वेटिंग रूम और वहाँ से छोटे पीछे बैठे हैं तो इस बस से हम लोग अपने क्वार्टर रूम को जाएंगे। तो बाय। तो हमारा बस अभी शुरू हो गया तो हम लोग जा रहे हैं हमारे कॉटेज। तो ये नागलिंगा है तो इस रास्ते से आप लोग भिक्षालय हॉल जा सकते हैं और लंच के लिए टाइम है 7:50 से 11:30 और डिनर के लिए 7:30 से 8:30। तो ये सारे कॉटेजेस हैं जो लोग रहेंगे यहाँ 2-3 कॉटेज जब आसपास आने वाला है। हमारा कॉटेज का नाम है शिव पाला। तो अब हमारा बस स्टॉप आने आ गया है तो हम लोग जब अपने कॉटेज रूम को पहुंचेंगे फिर मैं आपको हमारे कॉटेज रूम का टूर भी दिखाऊंगी। तो अब लोग हम कॉटेज के यहाँ से तो यहाँ मेरे पापा रूम रजिस्टर कर रहे हैं हमारा रूम नंबर सर नाम सारा बोल के। और हम लोग अभी कॉटेज के अंदर है, यहाँ सब लोग अपने कॉटेज का नंबर फिर अलार्म करेंगे। वहाँ हमारा बस स्टॉप है, हम लोग वहाँ से उतरे थे और हमारे ये कॉटेज का नंबर शिवपादम 3। तो हमारा सी ब्लॉक, हमारा घर कॉटेज सी ब्लॉक में है और ये है हमारा की डोर नंबर है C202। तो ये है हमारा सी ब्लॉक और हम लोग को स्टेयर के ऊपर जाना होगा क्योंकि लिफ्ट अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये है हमारा रूम 202, आप देख सकते हैं यहाँ शू स्टैंड। मैं ओपन कर रहा हूँ एक डोर पहले से ला के हम उसको अनलॉक करके जाएंगे अंदर। चलो आओ। कितना अच्छा दिख रहा है, लाइट लगाओ। तो ये है बेडरूम और यहाँ तंबा का जार पानी पीने के लिए, यहाँ हैंगर कपड़ा और ये वार्डरोब यहाँ ड्रेस रखने के लिए, यहाँ ये टेबल डेस्क और हाँ एसी और ये एसी का रिमोट उन्होंने दिया है और ये मिरर एक ही चुकान और यहाँ बाथरूम है शायद। तो ये बाथरूम है, यहाँ टॉयलेट सारा, यहाँ सोप नहीं, एड सोप ना है। और ये हमारा व्यू साइड। तो अगर तुम्हारा रूम कितना शानदार है और ये टावर्स और शायद ब्लैंकेट होगा, मुझे पता नहीं क्या है, ये टावर या ब्लैंकेट होगा मुझे पता नहीं। तो ये यहाँ का नोटिस है। तो अभी का टाइम हुआ है 5:43 और हम लोगों को 6:30 से निकलना है वो जहाँ वेटिंग रूम में, फिर से वहाँ वेट करना है बस के लिए, फिर बस जब आएगा फिर
7:15 में लाइट शो स्टार्ट होगा, इसलिए हमें 6:30 से निकलना होगा। उस वेटिंग रूम में वेट करना, जहाँ हम पहले वेट किया था वहाँ वेट करना है बस के लिए, और वहाँ से हम सीधा जाएंगे आधी होगी और वहाँ लाइट शो देखेंगे। सकते हैं बाहर का नज़ारा और यहाँ कुछ लिखा गया है ड्राइंग क्लॉथ्स। अच्छा और देख सकते हैं, तो अभी हम जहाँ वेटिंग किया था वहाँ जा रहे हैं वेटिंग रूम के लिए, और वहाँ हम लोग अपने बस के लिए वेट करेंगे। हमारा बस आएंगे तो हम लोग बस से निकल गए हैं और अभी हम लोग नाइट शो के लिए जा रहे हैं। बुल कार्ट से हम लोग नाइट शो की तरफ जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहे। तो लाइट शो के लिए जाने के लिए हमें बुलो कार्ट से जाना है, और बुलो कार्ट में जाने के लिए हमें टिकट करना होगा, और टिकट का MRP है टिकट का MRP है एक पर पर्सन के लिए 10 रुपीज, सो 1 पर्सन के लिए 10 रुपीज। बुलेट कार में नहीं जाएंगे क्योंकि बुलेट कार में जाने के लिए हम लोगों को टोटल 10 पीपल चाहिए, तो 10 पीपल हो पाए या नहीं हम लोगों को वेट करना है, इसलिए हम लोग चल चल के जा रहे हैं। तो अभी हमारा लेजर लाइट शो शुरू हुआ, और आप देख सकते हैं कैसे लाइट अच्छे से ऐसे चेंज हो रहा है स्लोली मोशंस में, और सब लोग इतने ज़ोर से चिल्ला रहे हुआ, इसलिए हम लोगों ने वॉइस को म्यूट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो हम लोगों ने लेजर शो देख लिया। लेजर शो देखने के बाद हम लोग गए थे भिक्षालय, और जहाँ हमने डिनर किया, तो डिनर करने के बाद हम लोग अपने रूम पर गए। तो ये था एंड ऑफ Day 1। Day 2 का एपिसोड हम लोग कल डालेंगे। तो बाय, गुड नाइट, नमस्ते। तो आज Day 2 है, और आज हमारा Day 2 ट्रिप में हम क्या कहाँ कहाँ जाएंगे आपको आज हम दिखाएंगे। तो आप पहले अब हम जाएंगे पूरा कैंपस ट्रैवल करने के लिए, तो हमने ब्रश सारा ना के अभी हम बाहर जाने के लिए रेडी हो गए हैं, और हम लोग जाएंगे तो क्या क्या है यहाँ वो सब घूमने के लिए। तो चलिए हमारे साथ। तो मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स रेडी हो गए, मम्मी पापा और मेरा भाई यहाँ ग्लास पकड़ के घूम रहा है, से हेलो। तो अभी मेरे पिताजी डोर को लॉक करके, और हम लोग अभी मंदिर को हेड करेंगे। तो अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं, हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे भिक्षालय, और वहाँ हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके आएंगे। तो हम लोग
लोग बस से उतर गए थे, एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया, हम लोग रिक्शा लेने जा रहे थे, हम लोग आधी होगी स्टैचू देखने के लिए अभी जा रहे थे, तो हम लोग अभी बस से उतर गए, हम लोग यहाँ से जाएंगे पूरा आधी होगी स्टैचू। तो हम लोग बस से आधी होगी स्टैचू पहुँच गए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे आधी होगी का स्टैचू देख सकते हैं कितना अच्छा है, और हमने थोड़े थोड़े रील्स भी किए हैं, आपको हम डालेंगे बाद में, तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग आदि योगी स्टैचू के चार चक्कर लगा रहे हैं, उनका दर्शन ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं चारों ओर सारे लोग सेल्फी फोटोज वीडियोग्राफी ले रहे हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, चारों ओर ग्रीनरी और मिडल में आदियोगी का स्टैचू। आदियोगी का स्टैचू इनक्रेडिबल इंडिया में भी है, देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। तो मोस्टली लोग सुबह में ही आते हैं क्योंकि उसमें अच्छा सा लाइट होता है। महादेव मैं ठीक हूँ ये तो मैं सबसे कह देता हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ ये सिर्फ आपसे कह पाता हूँ। हमने यहाँ थोड़े थोड़े फोटोज रील सारा हमने इंस्टाग्राम में डाला, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम लिंक में देख सकते हो हमने कितना ग्रुप फोटो उठाए हैं, पापा ने कितना फोटो उठाया है, ये मैंने उठाया है, ये मेरा भाई का, पापा ने अच्छे अच्छे फोटो उठाए हैं। फूल काट में जा रहे हैं, अभी हम फूल काट में जा रहे हैं, देखो सब लोग बैठे यहाँ पे, सब लोग के लिए 10 रुपीज टिकट करते हैं, 3 साल के ज्यादा है, आप देख सकते हैं फ्री टिकट पैसा लेता है, देख रहे हैं सारे और खुशी ही खुशी महल है। अभी देखिए ये बुल काट में जा रही है, हाय बोलो हाय बोलो, ये इतना स्लो जा रहे है, आप खुद पैदल चल के चले जाएंगे फिर भी आप ये पहनेगा नहीं, इतना स्लो जा रहे है। सिंगर सीरिए मंगल तो हम लोग बैलगाड़ी से बैठ के एक यहाँ पहुँच गए, तो बैलगाड़ी हमको वहाँ यहाँ छोड़ के अब हम लोग विशाला हॉल जाएंगे जहाँ हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम लोग विशाला हॉल पहुँच गए हैं, पर हम लोग चलते चलते लेट हो गया इसलिए हम लोग नहीं पहुँच पाए। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट खाने के बाद अभी हम लोग जाएंगे ध्यानलिंगा, तो यहाँ से एंट्री होगा आप दिखाती हूँ। तो ये देवी टेम्पल से यहाँ से एंट्री करके ध्यानलिंगा की तरफ जाना होगा। तो ध्यानलिंगा के जाने के बाद हम लोग यहाँ भैरवी टेम्पल आए हैं, और भैरवी टेम्पल विजिट करने के बाद वो लोग एक क्लास में ऐसे पायसम देंगे, उसके लिए आपको टिकट करना होगा। तो हम लोग सूर्य चंद्रकुंड देखने के लिए गए थे, पर ये हमारा मेरा भाई वो रो रहा था ज्यादा कर रहा था इसलिए हम लोग नहीं जा पाए, तो हम लोगों ने छोड़ दिया, वो सूर्य कुंड हम लोग नहीं घूम पाए, तो छोड़ो क्या करें। तो ध्यानलिंग के बाद हम लोग इस रेस्टोरेंट का पीछे वो एक मार्केट है, और ये एक रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट में हम लोग थोड़ा खाना बुकिंग करिए, मम्मी ने क्रीम बम बुक किया।
किया था, मैंने ये हॉट कॉफी पापा वाटरमेलन जूस बुक किया था। तो पीने के बाद हम लोग यहाँ थोड़ा बैठ के ऐसे रेस्ट करें, इसके बाद हम लोग अपने घर को जाएंगे, वो भी बस से। तो पीने के बाद हम लोग बस स्टॉप के पास जाएंगे, उसके बाद हम लोग बस से हमारे घर को जाएंगे। तो हम लोग रेस्टोरेंट से खाना खा के आ गए, उसके बाद हमने ऐसे थोड़ा घूमा, फिर हम लोग बस स्टॉप में बैठ के बस से हम लोग अपने कॉटेज को आ गए। अब हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अपने कॉटेज रूम में रेस्ट करके उठ गए हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं आदि योगी स्टैचू को जाने के लिए, फोटो वहाँ उठाएंगे। मौसम कितना मस्त है। तो दोस्तों, तो हम लोग सुबह 11 बजे से निकल गए थे आदि योगी कोयम्बटूर से। तो अभी कितना हुआ है, अभी 6:29 हुआ है। तो हम लोग सुबह 11 बजे से अभी 6:29 हुआ है, और अभी इवनिंग हुआ है, और हमें अभी भी टाइम लगेगा पहुंचने के लिए बैंगलोर को। तो और 77 किलोमीटर बाकी है हमारे घर को पहुंचने के लिए। तो हम लोग ऐसे कार में अभी तक बैठे हैं। तो कल मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, क्योंकि ज़्यादा नींद लगा तो हम सो गए थे। कल लाइट शो नहीं हो पाया क्योंकि कल के जो सदगुरु आए थे उन्होंने स्पीच दिया, तो स्पीच देते देते टाइम लग जाएगा, और उन्होंने बोला लाइट शो 8:30 को होगा। इसलिए हम वहाँ से चले गए, भिक्षा हॉल गए, वहाँ डिनर करके वापस कॉटेज रूम में सो गए। तो ऐसा था। तो अगर आपको हमारा ये जर्नी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।